हेलो बच्चो, बच्चों बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट टू चैप्टर है एल्जेब्रा देखो क्वेश्चन है कि देर इज अ सर्कल विच हैज द डायमीटर ए बी विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल सी देन आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल देन एक्सप्रेस डायमीटर डी इन द टर्म्स ऑफ रेडियस आर देखो एक्जैक्टली exactly, क्वेश्चन में मैं जीवन के पहले उसको समझते हैं ये आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है ओके okay? देन उसने क्या कहा ए बी ए बी क्या है आपके पास डायामीटर डायामीटर ऑफ सर्कल ओके और सी क्या है आपके पास सेंटर ऑफ दी सर्कल। डायामीटर क्या होता है सर्कल का कि अगर मैं एक लाइन खींच दूं और अगर वो एक सेंटर से होके पास होती हुई जाएगी ठीक है कहाँ पे दोनों बाउंड्रीज पे लाइन खींची बाउंड्री से स्टार्ट करके बाउंड्री पे लेके गए और वो कहाँ से पास होती गई सेंटर से तो उससे हम क्या कहते हैं डायमीटर ओके जो उन्होंने क्या बोल दिया है वो है डी ठीक है डी से हम रिप्रजेंट कर रहे हैं ओके इतना समझ में आया देन उसने हमने क्या कहा कि आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल अब रेडियस क्या होता है हमारे पास रेडियस का मतलब होता है कि उसके सेंटर से अगर मैं एक लाइन खींच दूं सर्कल की बाउंड्री पे तो क्या हो जाएगी वो हमारा रेडियस हो जाएगा सर्कल सर्कल uh, का जैसे कि सी से पी तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे सी से पी इज रेडियस आर ठीक है ये हो गया अब एक चीज सोचो कि हमें क्या निकालना है डायमीटर ऑफ द सर्कल इन टर्म्स ऑफ रेडियस आर ठीक है पहले इसको लिखते हैं फिर समझते हैं हमें डायमीटर को रिप्रेजेंट करना है पहले एक चीज़ सोचो कि ए और बी ठीक है ये हमारे पास क्या है यानी कि ए बी क्या है हमारे पास एक डायमीटर है ए बी किस से मिल के बी और सी एंड ए और सी इन दोनों से मिलके बना ना ए सी प्लस सी बी से मिल बना ए से पहले सेंटर की तरफ गए सी पे फिर आगे उसको बढ़ा के तक ले गए यानी ए सी प्लस सी बी अब ये क्या है ए सी और सी बी क्या है आपके पास अगर मैं ये सोचूं कि सी बी से एक की तरफ गए हम तो हमने एक लाइन खींची कहाँ पे सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री पे ओके वो क्या होती है अगर मैं एक सर्कल के सेंटर से लेके उसकी बाउंड्री तक जाता हूँ तो उसे तो हम रेडियस कहते हैं जी हाँ सेंटर से लेके अगर मैं आ, सर्कल की बाउंड्री पर जाता हूं हम रेडियस कहते हैं ना ये आर तो सेम ये भी तो वही होगा कि सेंटर से लेके मैंने उस सर्कल की बाउंड्री तक एक लाइन खींची तो वो भी तो रेडियस होगा नहीं होगा बिल्कुल होगा तो अगर ये आर लेंथ का है तो ये भी तो आर लेंथ का होगा नहीं होगा बिल्कुल होगा ओके तो ए सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं आर लिख सकता हूं ओके देन हम कहां से कहां गए सी भी सी से बी की तरफ सी क्या है सेंटर बी क्या है सर्कल की बाउंड्री तो एक पॉइंट तो यहाँ पे हमने एक लाइन खींच दी अगेन सेंटर ऑफ द सर्कल से बाउंड्री पे तो ये क्या होगी एक लाइन तो ये भी तो हमारा रेडियस होगा जैसे ये है कि सेंटर से अगर हम सर पॉइंट लेते हैं बाउंड्री पे वो रेडियस होता तो ये भी तो होगा तो ये भी हमारा आर होगा ये नहीं होगा बिल्कुल होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे कि डायमीटर जो हमारे पास होता है डी वो इक्वल होता है टू आर के यही होगा ना तो ये आपका बन गया एग्जैक्टली exactly. क्या चीज हमारे पास ये होनी चाहिए थी ओके तो ये था कि डायमीटर ऑफ द सर्कल हमेशा टू आर होता है टू मल्टीप्लाई बाय आर ये याद रखना ऐसा क्यों है क्योंकि ये डायमीटर सेंटर से पास होता है पूरी एक लाइन होता है और रेडियस हमारा आधा होता है जो सेंटर से पास होता हुआ कहाँ पे जाता है सर्कल की बाउंड्री पे जाता है तो वो एक लाइन होती है तो दोनों को जब मिला दोगे तो वो क्या हो जाएगा डायमीटर अगर आधा लोगे तो वो रेडियस होगा ओके तो क्वेश्चन नंबर फोर आपका हो गया है जल्दी से मिलेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव के साथ ओके वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा थैंक यू